हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टेट क्लासेस। फ्रेंड्स, आज मैथ में देखेंगे, मैथ्स में हम देखेंगे समय का जोड़ और घटाव। सी टेट में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था जिसमें कुछ समय को जोड़ना था और घटाना था, सिर्फ माइनस था, शायद प्लस नहीं था। तो हम आज यहाँ पे दोनों चीजों को देखते हैं कि समय का जोड़ और घटाव कैसा होता है, क्योंकि इसमें बहुत से लोग मात खा जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। हम एक प्रश्न लेते हैं, प्रश्न क्या, बस ऐसे नॉर्मली हम लेंगे। जैसे हम लेते हैं घंटा, पहले लिखते ऊपर समझने के लिए, घंटा एक तरफ और मिनट एक तरफ। देखिए, इसको जानने से पहले हम एक चीज और जान लेते हैं। एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। और एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। और तो इसमें कुछ नहीं, क्योंकि सेकंड से छोटी इकाई हमें नहीं पढ़नी है। तो हमें यहाँ पे सिर्फ देखना है मिनट को, देखना है घंटे को और सेकंड को। वैसे मैं इस वीडियो में केवल मिनट और घंटा डालूंगी, सेकंड नहीं डालूंगी। सेकंड के लिए मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगी। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो देखिए, एक तरफ मैंने लिखा है घंटा और दूसरी तरफ है मिनट। हम जोड़ते हैं, पहले हम जोड़ देखेंगे। तो हम लेते हैं कि हम 5 घंटा और 43 मिनट, जिसमें हम 2 घंटे और 30 मिनट को ऐड करेंगे। इसको हमें ऐड करना है, तो इसमें हम कैसे करेंगे? पहले इसको नॉर्मली जैसे हम ऐड करते हैं वैसे ऐड कर लेते हैं, फिर उसके बाद आपको बताएंगे कैसे करना है। 3, 4 और 3 7 हो गए, 5 और 2 आपके हो गए 7। ये तो नॉर्मली आ गया। बट आपने कहीं सुना है कि 7 घंटा 73 मिनट? ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होता है, और जैसी घड़ी 60 मिनट को क्रॉस करती है वो अगले घंटे में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पे हमारा 60 से ऊपर हो गया, तो इसके लिए क्या करेंगे? तो इसमें से हम 60 को माइनस कर देंगे, यानी कि 60 ये मिनट का कॉलम है, इसलिए मिनट को माइनस करेंगे। और 60 को माइनस करने का मतलब 1 घंटे को हम माइनस कर रहे हैं। अगर यहाँ से हम 1 घंटे को माइनस करते हैं तो यहाँ पे 1 जोड़ते हैं। तो यहाँ 73 में से अगर हम 60 डायरेक्टली, आप दोनों डिजिट को ले सकते हैं एक साथ या एक भी, तो 73 में से हम 60 को माइनस कर रहे हैं तो यहाँ पे बचेगा आपका 13। और जो ये 1 घंटा हमने निकाला है यहाँ से, इसे हम घंटे वाले में जोड़ देंगे। तो यहाँ पे हमने घंटे वाले में इसे जोड़ेंगे। ये जिसके अभी मुझे समझाना पड़ रहा है, इसलिए लिखना पड़ रहा है, बट जब आप रनिंग में हो जाएंगे तो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ऐसे ही कर लेंगे। तो यहाँ आ गया 13, और 7 और 1 8 हो गया यहाँ पे। तो आपका टोटल समय क्या बन कर आया? 8 घंटे 13 मिनट। अगर इसे नॉर्मली आप हाथों पे भी जोड़ के देखें, थोड़ा सा दिमाग लगाएं, नॉर्मली जैसे हम कोई काम करते हैं तो इस काम को करने में इतना समय लगा, इस काम को तो टोटल कितना समय लगा, ऐसे देख सकते हैं। बट यहाँ पे हमने जो तरीका बताया वो ऐसा ही है कि 8 घंटे 13 मिनट का समय लगा। और इसी तरह से दूसरा सवाल देख लेते हैं। ऊपर यही समझना है हमें, इसलिए हम ये चीजें बार बार लिखेंगे। घंटा लिख लेते हैं और इधर मिनट, यहाँ पे लिखते हैं 5 घंटे 55 मिनट, और यहाँ देख लेते हैं 4 घंटे 30 मिनट। अब इसे हमें जोड़ना है, जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 5, 5 और 3 हो गया 8, यहाँ पे जोड़ेंगे 5, 4 और 9। नॉर्मली हमने जोड़ लिया, बट यहाँ पे भी देखिए आपका ज्यादा आ रहा है, तो क्या करेंगे? इसमें 60 माइनस कर दीजिए। 60 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 5 और यहाँ पे आएगा 2। अब जो 1 हमने यहाँ से माइनस किया, ये घंटे में जुड़ जाएगा, तो यह हो जाएगा 9 की जगह अब हो जाएगा 10। यानी कि दोनों को हमने जोड़ा तो क्या आया? 10 घंटे 25 मिनट। ये तो ऐड हो गया। अब हम थोड़ा माइनस भी देख लेते हैं। माइनस में देखिए क्या करेंगे, हम पहले लेते हैं 5 घंटा, यहाँ पे घंटा लिख देते हैं हम, घंटा और मिनट, 5 घंटा 13 मिनट लेते हैं, और यहाँ लेते हैं 2 घंटे 43 मिनट। यहाँ पे जिस तरह से ऐड में हमने 60 को माइनस करके उसे घंटे में कन्वर्ट किया था, तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, यहाँ पे हमें माइनस करना है। 13 में से हम 43 को घटा नहीं सकते, ये हासिल लेगा, ये इससे हासिल लेगा घंटे से, तो घंटा इसे मिनट को हासिल देगा। वैसे हम देखें नॉर्मली डिजिट में हम देखते हैं कि 2, 4, 6 हम लेते हैं, अगर ये इसे हासिल देता है तो ये 6 से 16 हो जाता है। ये देता तो खुद का 1 है, लेकिन इस मिलता इसे 10 है। उसी तरह से घंटा देता तो 1 है अपने का, लेकिन मिनट को 60 मिलते हैं, यानी कि डायरेक्टली ये 60 मिनट देता है। और जब 60 मिनट को हम 13 में जोड़ दें तो हमारा हो जाएगा 73, और 73 में से जब हम 30 को माइनस करेगा तो 3 में से 3 गया 0, और हमारा 7 आया है, 7 में से 4 गया 3, यहाँ पे क्या बचा? 4 बचा, 4 में से 2 गया 2। तो फाइनली आंसर आपका आया 2 घंटे 30 मिनट। इसी तरह से एक और सवाल देख लेते हैं।
यहाँ लिखते हैं घंटा, यहाँ लिखते हैं मिनट, घटाते हैं हम लेते हैं 6 घंटा 12 मिनट, 5 घंटा 30 मिनट घटाना है। 6 घंटे 12 मिनट में से 5 घंटे 30 मिनट को घटाना है, तो घटाते हैं। देखिए यही वही चीज है, 12 में से 30 नहीं घटेगा तो हम क्या करेंगे, हासिल लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 60 से जुड़ जाएगा इसमें, तो 12 से हो जाएगा आपका 72, 60 और 12 72। 72 में से आप 30 माइनस करेंगे तो आपका सीधे सीधे आ जाएगा 42। यहाँ क्या है, ऊपर भी 5 बचा, नीचे 5 पूरा कट गया, यानी कि टोटल कितना समय बचा आपके पास, 42 मिनट। ये हुआ, बस इसी तरह से फ्रेंड चलते जाना है। अगर हम नॉर्मली से समझ कर देखें तो देखिए यहाँ पे दिया है, हम मान लीजिए किसी हमको कोई समय मिला है, 6 घंटा 12 मिनट समय मिला है उस काम को करने के लिए, और उस काम को हम 5.5 घंटे में ही कर देते तो आपके पास कितना समय बचता। तो देखिए 5.5 से हम 6 बजाए तो 30 मिनट ये हो गए, और 6 12 है यानी कि 12 मिनट ये प्लस हो गए, तो इतना ही बचता है हमारे पास। तो कितना है, 2 4, दोनों पैटर्न से वही चीज आएगा। ये इजीली है, जल्दी हो जाएगा, इसको थोड़ा आप दिमाग लगाएंगे अपने मन में विचार, ये भी इजी है, आ जाएगा, वैसा ही है, थोड़ा अभ्यास करेंगे तो ये चीज आपके मन में आ जाएगी। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज ये एक सवाल है उसका मुझे कमेंट के थ्रू आप आंसर जरूर दीजिएगा। ऐड है घंटा मिनट, 7 घंटे 45 मिनट, 9 घंटा 50 मिनट को आपको जोड़ना है। ऑप्शन आपके सामने, जो ऑप्शन सही है उसका मुझे आंसर कमेंट में दीजिएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।